आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के दौरे पर हैं। भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यालय में आयोजित भूत सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव केवल वोट की राजनीति करते हैं, भाजपा नेतृत्व जो निर्णय लेगा वह ले चुका है। भाजपा एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट जीतने की भी बात कही। कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, जिस विषय पे वो बयानबाजी कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से श्री अखिलेश यादव जी वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेना था वो निर्णय लिया है, उस पर कोई सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 4 बार से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है और श्री अखिलेश यादव जी लगातार 4 बार से हार रहे हैं। वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी अभी 25 साल तक नहीं मिली। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। वहीं इस कार्यकाल में सरकार ने कई ऐसे शासनादेश जारी किए हैं जिसका असर भी व्यापक स्तर पर हो रहा है। हमारे संवाददाता ने कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और लगातार समाज के हर तबके के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के जो कारागार है वहाँ पर भी जो बंद कैदी हैं उनकी भी दशा और दशा दोनों में बदलाव करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह की ऐसी योजनाएं और शासनादेश हैं जो लगातार कैदियों के लिए राहत पहुँचाने का काम कर रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी। राही जी, क्या मानते हैं जिस तरह से सरकार बेहतर काम कर रही है और कई शासनादेश जारी हुए? देखिए, सरकार तो बेहतर काम शुरू से ही हमारी कर रही है और ये हमारी जनता को भी पता है। देखिए, कारागार में जो है जो विचाराधीन कैदी हमारे थे उनको रिहाई की वो चल रही है कि जो ताकि जल्दी जल्दी अपने घर जा सकें। जिनकी सज़ा 10 दिन की, 15 दिन की, महीना भर की होती है और वो 2-2, 3-3 महीने वहाँ पर जेल में रहते हैं, तो उनको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र हो सके कार्य, और जो जेलों की दशा और जो कारागार की स्थितियाँ हैं उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का एक प्रयास ये भी है जो हमारे कारागार में जो कैदी हैं उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो, उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहे। इसके लिए हम लोगों ने कारागार में गायत्री मंत्र और इस तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं, तो गायत्री मंत्र वगैरह से थोड़ा धार्मिक होने से लोगों में मानसिक शांति मिलती है, तो एक उनको भी मानसिक शांति मिलेगी तो उनका मन चित्त शांत रहेगा, ये हम लोग का प्रयास है। और उनको परिवार को भी, चूँकि कैदी जेल में बंद हैं, परिवार की स्थिति भी उनकी बनी रहे, इस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो कैदी हमारे कारीगर हमारे जो हैं, जैसे लकड़ी का कार्य कर रहे हैं, कई तरीके के कार्य करते हैं उसके अंदर हैं, उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो, उनका परिवार का भी भरण पोषण अच्छा हो सके, हम लोग इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि ODOP जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, MSME के माध्यम से कारागार में इस योजना को प्रोत्साहित करना है और जो कैदी निकलते हैं वो कुछ सीख के निकले और आने वाले समय में अपराध की दुनिया में ना जाके और अपनी जीविकार्जन बेहतर तरीके से सम्मानपूर्वक निभा सकें, इसके लिए प्रयास करें, इस योजना पर क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति जेल में रहता है, कारागार में रहता है, वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके क्योंकि समाज उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता है। तो हम लोगों की यही सरकार की इच्छा है कि जो कैदी वहाँ से निकलें वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों और वो अपना कार्य स्वयं कर सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में एक शासनादेश आया था जिसके तहत इस संगठन के माध्यम से जो कैदी अर्थदंड ना चुकाने के कारण जेल में बंद थे 136 के लगभग कैदियों को रिहा किया गया। आने वाले समय में और कितने कैदियों को रिहा करने की योजना है अर्थदंड ना चुका पाने के कारण? अभी कार्य चल रहा है उस पर है और आप लोगों को शीघ्र पता लग जाएगा लगभग कितने कैदी छोड़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार योगी सरकार काम कर रही है तो भाई विपक्ष भी अपना आरोप लगा रहा है कि सरकार केवल जो केवल इन्वेस्टर समिट हो गई या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई और केवल भुलावे का काम कर रही है, सपने दिखा रही है और जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार जो कार्य कर रही है वो सबको पता है, आपको भी पता है, आप लोग मीडिया के माध्यम से
हम लोग की बात जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज़ भी हम लोग तक पहुंचाते हैं। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है हर स्तर पे, और हम लोग के हर जो भी योजना है उसका केंद्र बिंदु हमारा जो गरीब तबका है और किसान है, हम लोग उनको लेके ही कार्य कर रहे हैं और जनता हमारी बहुत प्रसन्न है, ये आप पिछले के जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कारगर राज्य मंत्री सुरेश राय, जिनका कहना है सरकार बेहतर काम कर रही, साथ ही साथ कैदियों के लिए भी एक विशेष तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ उन कैदियों को रिहा किया जा रहा है जो मात्र कुछ पैसे न चुका कर अभी तक जेल में निरुद्ध थे। ऐसी योजनाएं चल रही हैं, शासनादेश भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी कैदियों की दिशा और दशा दोनों में बदलाव किया जाएगा, जिससे जब वो जेल से निकलें तो एक स्वाभिमानीपूर्ण और एक जीविका उपार्जन के साथ ही वहाँ पर अपना एक स्वयं का जो स्तर है वो बना सके। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से लगातार देखते हैं कि कैदियों की मनोदशा जो होती है बड़ी ख़राब हो जाती है, पर अगर वो काम करेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे निश्चित रूप से उनकी मनोदशा बदलेगी और बाहर निकल कर स्वयंपूर्ण जीवन जी सकेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर अलीगढ़ से है, जहाँ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जिला कारागार में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ सांसद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में 8 बंदियों ने भाग लिया और सभी प्रतियोगी गायत्री मंत्र की धुन पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सांसद सतीश गौतम ने कहा कि लक्ष्य की इच्छा मत करो, उसके लिए मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। इस दौरान जेलर पी के सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को बधाई भी दी। माननीय सांसद सतीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्हें निर्णायक मंडली द्वारा घोषित तीनों बंदियों को मेडल व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ में हमारी टीम को भी उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया था। अंत में सारे लोग को बैठ करके जेल का खाना खाए तथा इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्होंने हमको हमारी टीम को कहा कि लगातार इस कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां 11 साल की बच्ची वाणी रावल ने कैचिज 23 डेज ऑफ क्रिसमस और कैचिज कॉलिंग 5 अल्टीमेट ऑफ क्रिसमस किताब लिखी, जिसके वजह से वाणी रावल को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक होने का खिताब मिला। बता दें अब वाणी रावल की 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम से बनाए हुए हैं। मैं बहुत बोर होती थी तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो पहले मैंने सोचा कि छोटी सी कहानी लिख देती हूँ, एक लड़की पर जिसका नाम है कैथी और एक छोटे से जादूगर पर क्वेश्चन। फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैंने एक बुक लिखी 23 चैप्टर। मुझे बहुत गर्व, मेरे को लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए, हमारे बच्चे ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो देश का नाम रोशन किया है, तो सबको गर्व होना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, देखो मेरी बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, तो सबकी बेटियां ऐसी हैं। बेटी और बेटे में फर्क कोई नहीं है, फर्क नहीं, केवल फर्क है सोच में और परवरिश में, सिर्फ सोच में फर्क है। आप चाहो तो एक बेटी 10 बेटों पे भारी पड़ सकती है। खबर कानपुर से है, जहां चल रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल सभी लोगों पर बराबरी से कार्रवाई करने की मांग की गई और वहीं प्रेस वार्ता कर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इससे चिंतित हैं, इसलिए समाज के दोनों वर्गों को आमने सामने बैठा कर अमन का रास्ता ढूंढना चाहिए। आम जनता की एक उसमें जो एक धारणा बनती जा रही है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसके वजह से कानून व्यवस्था में लोगों की आस्था कम हुई है, प्रशासन में उसके इस कार्रवाई की वजह से जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है, आज इस पे हम लोगों ने बात किया और इस बात पे हमारा जोर था कि कानपुर एक सेंसिटिव शहर रहा है, इसलिए इसके संचालन में प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। फिरोजाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। खैरगढ़ थाना क्षेत्र के निकाऊ गांव के पास एक कॉलेज है, वहां पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसके संदर्भ में जिन पर आज जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटना कारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद और थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत
जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटना कारित कराई गई जिससे चीज़ें एक्सीडेंट की लगें जबकि हकीकत में सारी चीज़ें मर्डर की थी। अयोध्या में युवक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने मार्ग पर युवक का शव रख के जाम लगा दिया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से कहासुनी के बाद पथराव शुरू कर दिया। पथराव के कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है, साथ ही पुलिस गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पथराव होने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और कड़ी सुरक्षा के बीच शव का अंतिम संस्कार कराया गया। बता दें कि मामला कोतवाली बीकापुर के गुंधौर का है। बीकापुर क्षेत्र में गुंधौर नाम के गांव में कल अर्जुन यादव नाम के व्यक्ति की हत्या उसके चाचा द्वारा कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, पुलिस द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। आज मृतक के शव को सड़क पर रखकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें समझाया जा रहा था तभी उनमें से कुछ लोगों ने ईंटें गुम्बे फेंकने शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित की। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं जहां बाइक सवार बदमाशों ने शराबी व्यापारी की आंखों में मिर्च डाल के 9 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबर अलीगढ़ से है जहां के जनता इंटर कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइबर पुलिस टीम ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता व छात्रों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्राधिकारी श्वेता पांडे व साइबर क्राइम प्रभारी सुरेंद्र कुमार मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किया। कुछ लोग MHA के द्वारा जो है हुए थे जिन्होंने जो है पपेट के माध्यम से और जादू दिखा करके ये इवेंट्स को लिया गया और हम लोगों ने जो है आम जनता और स्कूली बच्चों को साइबर अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी गई जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अगर साइबर से ठगी हो जाती है तो सबसे पहले वह 1930 पे कॉल करें और तदउपरांत जो है संबंधित थाना या वहां भी जाकर के या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकता है। खबर महाराजगंज से जहां बाडा सुपरविजन स्कीम के तहत थाना कोलहुई के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी क्षेत्र जोगियाबारी में राज मंदिर व डूंडा नदी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान बाडर क्षेत्र से होने वाले अपराधों व तस्करी के नियंत्रण के लिए थाना प्रभारी कोलहुईपुर चौक प्रभारी जोगियाबारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लगातार पेट्रोलियम चेकिंग की जाए व स्थानीय लोगों की मदद से अपराधियों व तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जनपद महाराजगंज में हम सभी के द्वारा एक बॉर्डर सुपरविजन स्कीम चलाई जा रही है जिसमें हर बुधवार को थानों में बॉर्डर के अलग अलग थानों पर जाकर वहाँ के सम्भ्रांत लोगों से वहाँ के चौकीदारों से पत्रकारों से वहाँ के ग्रामीण लोगों से सबसे वार्ता की जाती है तथा वहाँ की बीट प्रणाली की व्यवस्था की समीक्षा की जाती है और थाने के एक आकस्मिक निरीक्षण और विवेचनाओं की समीक्षा की जाती है। इसी के क्रम में आज कोलहुई थाने में मेरे द्वारा तथा CO साहब द्वारा इस प्रकार का निरीक्षण किया जा रहा है तथा लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से है जहां DIG के निर्देशों पर कुदरकी पुलिस द्वारा वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत कुदरकी में मुखबिर की सूचना पर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 11 बाइकें बरामद कर ली गई हैं। पकड़े गए चोरों ने पुलिस की पूछताछ में बाइक चोरों की घटनाओं को कबूला है और वहीं पुलिस 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें ATM बदल करके पैसे निकालने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 लोग पकड़े गए हैं, एक ये निकेश है दूसरा राकेश। निकेश बिहार का रहने वाला है, राकेश हरियाणा का रहने वाला है। खबर श्रीवस्ती से है जहां भीषण गर्मी के कहर बरपा रखा है, इसका अंदाजा साफ तौर पर बाजारों के परसे सन्नाटे से लगाया जा सकता है। भीषण गर्मी से आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते जिले में बिजली की कटौती तेजी से बढ़ गई है। बिजली की कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बिजली की कटौती की जा रही है जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है।
गर्मी से क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं? भिंगा में हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चौराहे चौराहे पे जो ये पुलिस वाले हैं और भी जो कर्मचारी हैं, देखिए आप दोपहर में आके सब बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। ये सामने टाकी लगा हुआ ये भी 3-4 साल से खराब है। प्रशासन के द्वारा भैया हमें कुछ व्यवस्था दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। तमाम लोग गांव देहात से आते हैं बेचारे, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना पेयजल का व्यवस्था है, ना प्रशासन के तरफ से है, ना नगर पालिका के तरफ से है। हम लोग इस गर्मी से बहुत परेशान है भैया। जैसे अगल बगल में जो है तालाब पड़ा है, सब सूखा है, पशु पक्षी भी आते हैं, वो भी पानी के लिए परेशान है। अलीगढ़ में एक इको कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार भयंकर रूप ले लिया। इस दौरान एक मासूम बच्चा आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या घटना हुई थी? गाड़ी में आग लगी खड़े खड़े। कौन सी गाड़ी थी? इको। क्या वजह रही आग लगने की? पता नहीं बड़ी क्या वजह रही, खड़ी खड़ी में आग लगी। अच्छा, कोई जल भी गया है? हाँ, लड़का जल गया। फायर ब्रिगेड पहुंची थी? हाँ पहुंची फायर ब्रिगेड। खबर बुलंदशहर से है, जहां ज्वेलर से रंगदारी मांगने वाले 4 अभियुक्तों को स्वाट टीम ने थाना क्षेत्र शिकारपुर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तारी अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फरौती मांगी गई थी। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन व अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं और आगे कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, इनका पहली बार क्राइम है। इनसे जब पूछताछ करी गई तो पता लगा कि इन्होंने यूट्यूब में देखा और जानकारी करने का प्रयास किया कि कैसे ऐसा छोटा मोटा धमकी देकर क्राइम किया जा सकता है जिससे पुलिस को और पब्लिक हमें पकड़ ना पाए। तो इनको पता चला कि व्हाट्सएप का यूज़ करके अगर आप कॉल करें तो उसका CDR नहीं निकल सकता है, और अगर किसी दूसरे फ़ोन के सिम से किसी तीसरे फ़ोन में अगर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करके OTP मंगाएंगे तो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। पहली बार के अपराधी हैं और ऐसा कोई इन पर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं। इनमें से कुछ बता रहे हैं कि वो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, कुछ बता रहे हैं कि फ़ौज की तैयारी कर रहे थे। नए लड़के हैं और इन्होंने पहली बार ही क्राइम किया है ऐसा। खबर गाजीपुर से है, जहां की सदात थाना क्षेत्र पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट और ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये लोग पीली धातु को सोने का बिस्किट बताकर लोगों को बेच देते थे, साथ ही साथ लूट में भी शामिल थे। 30 दिसंबर को सदात थाना क्षेत्र में एक बाइक की लूट में भी ये गिरोह शामिल था। तो वहीं लूट की बाइक में पुलिस ने इसके पास से बरामद की है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। थाना अध्यक्ष और हमारी जो सर्विलांस और स्वाट टीम है, लोगों ने काफ़ी मेहनत करके एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो लूट भी करता था और साथ में लोगों को बेवकूफ़ बना करके नकली सोना बेचता था। उसको पहले सैंपल असली सोना का दिखाता था, बाद में कहता था कि हमारे पास बहुत सोना है और उसको हम आपको बेच देंगे, जिसका सैंपल मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक कैडमियम धातु है जिसके ऊपर ये गोल्ड का पानी चढ़ा करके उसे पूरा गोल्ड का बिस्किट बना देते हैं और उसको बेचते हैं। खबर मुरादाबाद से, जहां मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने SSP को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि कमर आजिम नाम के युवती ने उसे शादी का झांसा देकर सारी संबंध बनाया, जिसके बाद युवती को एक बेटी भी हुई, मगर अब उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता और तलाक देना चाहता है, जिसके बाद युवती ने मुरादाबाद SSP को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों में परफॉर्मेंस में पीरियड्स की वजह से खराब प्रदर्शन पर बहस छिड़ी हुई है। इस दौरान मासिक धर्म को लेकर कई खिलाड़ियों ने बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन मासिक चक्र को लेकर महिलाएँ खिलाड़ियों के भीतर हीन भावना उन्हें और बीमार और खेल में अक्षम बना रही है। ऐसे में वुमेन्स IPL टीम के बतौर डॉक्टर सेवा करने वाली गोरखपुर की चिकित्सक डॉक्टर ऋचा मोदी ने महिला खिलाड़ियों को मासिक धर्म को लेकर झिझक छोड़ने और खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की अपील की। डॉक्टर ऋचा मोदी ने बताया कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं खिलाड़ियों को जब खेल के बीच में मासिक धर्म आता है तो उन्हें दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है। लड़कियां दर्द है, तकलीफ है, तो मैडम बस एक मेफ्टाल दे दीजिए, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे खुद ही समझ में आता था, तो मैं कहती थी अरे मैं आपकी इसी चीज़ के लिए तो आई हूँ, मुझे आप खुल कर बताइए। तो मुझे लगता है कि हाँ, खिलाड़ियों को अपनी हर एक दिक्कत खुल के बतानी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, कोई भी तकलीफ हो उसका
बिल्कुल सिरे से इलाज होना चाहिए, जिससे इन तकलीफ़ों की वजह से उनके प्रदर्शन में कोई कमी ना आए और जिससे उनका और उनकी टीम का प्रदर्शन कहीं से भी इस दिक्कत से प्रभावित ना हो। खबर गाजियाबाद से, जहां के डसना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने आगामी 17 जून को दिल्ली के जाम मस्जिद पहुंचने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा एक वीडियो बाइट के जरिए की थी। उन्होंने आगामी 17 तारीख को जामा मस्जिद पहुंचने और अपने साथ कुरान और मुस्लिम धर्म से जुड़ी किताबें ले जाने की बात भी कही, जिसके जरिए वो जामा मस्जिद में मौजूद मुस्लिम धर्म गुरुओं को अपने धर्म की बातों की जानकारी देंगे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में लगातार जो है हम सोशल मीडिया पे वॉच रखे हुए हैं। जब भी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी वक्तव्य या किसी वीडियो से समाज में वैमनुष्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलने की संभावना है, तो वहाँ हम उस व्यक्ति को चेतावनी जारी करते हैं कि वो भविष्य में ऐसे कृत्य ना करें। इसी के क्रम में यति नरसिंहानंद महाराज जी का एक वीडियो तथा एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हो रहा था कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, जिसका संज्ञान लिया गया तथा उन्हें नोटिस जारी किया गया कि इस तरह के वक्तव्य भविष्य में जारी ना करें। खबर रायबरेली से है, जहाँ बांदा बहराइच NH पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और उसके दो महावत को टक्कर मार दी। मौके से फरार हो गए। ट्रक की टक्कर से हाथी और महावत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। लगभग कितनी समय की घटना है? 3:30 वाराणसी में मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस का पर्व गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर लहरा घाट में पहुंचकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पुनर्जित करेंगे। मान्यता है कि दशहरा पर गंगा स्नान में 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार वही संयोग बन रहा है जो गंगा अवतरण पर बना था। काकोरी कांड के महानायक और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती की तैयारियों को लेकर DM उमेश प्रताप सिंह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शाहजहाँपुर पहुंचे और घर में उनके परिजन से मुलाकात की। साथ ही दीपोत्सव को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा भी उन्होंने तय करी। आपको बता दें कि 12 जून को राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। कई वर्षों तक और इसी कमरे में रहे थे, तो हम लोग यहाँ देखने आए कैसी क्या व्यवस्था है, इधर एक मिसाला है, उधर गाड़ियाँ खड़ने का स्थान है और यहाँ और भी साफ सफाई की आवश्यकता है। इसलिए नगर आयुक्त जी को बोला गया आज मैं रिव्यू करूँगा शाम को और पुताई उताई करा के यहाँ प्रोग्राम होगा, यहाँ भी होगा, उस गली में भी होगा, दोनों जहाँ हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, क्योंकि उनके जन्म के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है। अलीगढ़ में लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ने मंगल स्तर पर समीक्षा बैठक की और ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पाठ्य पुस्तकें भी दी, जरूरी सामान उपलब्ध कराया, निशुल्क स्वास्थ्य कोचिंग के लिए प्रतिबंध व बात की गई और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में जानकारी दी। बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इस देश में बहुजन समाज में जन्मे संत ऋषि मुनि और महात्माओं के जन्मदिन प्रमाण दिवस शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लास्ट पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उनकी विचारधारा को पहुंचाने का संघर्ष का काम करती है। लॉर्ड बुद्धा की सोसाइटी का मकसद इस देश में शिक्षा का स्तर और अंधविश्वास और रूढ़वादी परंपराएं इस देश में से खत्म होकर के लोग प्रकृति पर विश्वास करते हुए अपने देश का, अपने परिवार का और अपने घर का, अपने बच्चों का विकास करें, ऐसे विचारों को। शाहजहाँपुर में गुरु अर्जुन देव जी की शहीद दिवस को समर्पित एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी शरबत वितरण किया गया। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी अध्यक्ष जवाहर सिंह टुटेला ने पंजाबी वीर सभा के सभी सदस्यों को सिरोप भेंट कर सम्मानित किया। और यार चल ही नहीं रहा। सर्वप्रथम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरुपूर्व को के उपलक्ष्य में पंजाबी वीर सभा कैंट शाहजहाँपुर की ओर से ये शबील का प्रोग्राम करा गया। इस प्रोग्राम में इस रोड पे और OCO फैक्ट्री के सामने इसलिए रखा गया कि ये लिंक रोड चारों तरफ रोड पे मिलता है। इस बात का संदेश हमारे पूरे शाहजहाँपुर ज़िले में जाएगा कि यहाँ पर इस शबील का कार्यक्रम पंजाबी वीर सभा द्वारा उनके मेम्बरों द्वारा किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये पंजाबी वीर सभा और ऑनर्स फैक्ट्री शाहजहाँपुर की तरफ से किया गया है।
और ये पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह की शहादत के उपलक्ष्य में कराया जा रहा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।